अब आप ये देखें कि हमारे पास इंसर्ट के अलावा डिज़ाइन की ऑप्शन है, हम डिज़ाइंस में जा सकते हैं, हम एनिमेट कर सकते हैं। तो लेट्स लर्न अ बिट ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन पे मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये टाइटल है ये किसी स्टाइल से इसकी एंट्री हो, तो मैंने कस्टम एनिमेशन को क्लिक किया। कस्टम एनिमेशन को क्लिक किया, यहाँ आप देखिए मेरे पास आएंगे एड इफ़ेक्ट्स। एड इफ़ेक्ट्स में जाके कैसे एंटर हो सकता है ये, वी हैव ब्लाइंड्स बॉक्स, चेकरबोर्ड, क्रॉल इन। आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे और देख लें, लेट्स से फ्लाई इन। तो ये देखें, अब इसमें भी ये बहुत तेज़ी से आया है, तो आपके पास इधर ऑप्शंस हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं। आप चाहते, मैं चाहती हूँ ये ऊपर से आए, तो फ्रॉम टॉप। मैं चाहती हूँ ये इतना फास्ट ना आए, ये वेरी स्लो, स्लो, मीडियम फास्ट, वेरी फास्ट, हमारे पास इतनी ऑप्शन है। मैं चाहती हूँ ये मीडियम पे आए। सी, अब हम इसके ऊपर लगा लेते हैं एनिमेशन। अब मैं चाहती हूँ इसको, मैंने फ्लाई इन किया फ्रॉम बॉटम लेफ्ट, अगेन फास्ट। अब मैं इस पिक्चर पे लगा लेती हूँ। डिफरेंट भी कर सकते हैं, आज हमने सिर्फ सीखा है इसलिए हम एक स्पेसिफिक एनिमेशन यूज़ कर रहे हैं। इस पे हमने थर्ड पे हमने लगाई है, इसको हम फ्रॉम बॉटम अगेन, आप स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने ये सेलेक्ट कर लिया, नाउ आई वांट टू प्रेजेंट इट। तो उसके लिए आपके पास यहाँ ये ऑप्शंस हैं, मैंने आपको बताया, जिस पे भी आप माउस रखेंगे वो आपको खुद ही बता देगा कि मैं क्या। इट सेज स्लाइड शो, आपने साइन देखा कौन सा है, स्लाइड शो। अब विद योर माउस क्लिक आपको अपनी चीज़ें आती हुई नज़र आएंगी। This is end of slideshow. मैंने आपसे कहा कि ये अभी मैंने आपको बहुत सिंपल सी एक स्लाइड बनाना सिखाई है। अगर इससे किसी एक दो ने भी कुछ सीख लिया या इसको प्रैक्टिस किया और उनको पावर पॉइंट में इंटरेस्ट हुआ, तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि और भी ज़्यादा चीज़ों को कवर किया जाए आप लोगों के लिए। और ये ऐसी चीज़ है जिसको आई गेस क्लास 3 ऑनवर्ड्स हर लेवल जो है, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप इवन आप कुछ भी नहीं कर रहे, घर में भी हैं, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी लर्निंग ही बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। तो आई होप आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, और अपना फीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मुल्क का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।